फ्रांसीसी राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का वीडियो वायरल। सरेआम भीड़ के बीच से महिला ने जड़ दिया जोरदार थप्पड़। भीड़ से मिलने पहुंचे इमैनुअल मैक्रॉन को लगा थप्पड़, वीडियो में हो गया कैद। दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक फ्रांस के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को पड़ गया थप्पड़। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन को फिर एक बार किसी ने सरेआम जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस बार थप्पड़ जड़ने वाला कोई शख्स नहीं बल्कि एक महिला थी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि महिला जिसने ऑलिव ग्रीन टी शर्ट पहनी है, उसने जोरदार थप्पड़ मैक्रॉन के गाल पर जड़ दिया। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में एक वायरल वीडियो का हवाला देते हुए ये जानकारी दी गई। हालांकि इस वीडियो को काफी पुराना बताया जा रहा है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इमैनुअल मैक्रॉन को इस तरीके से थप्पड़ जड़ा गया हो। इससे पहले भी एक शख्स ने दक्षिण पूर्वी फ्रांस की यात्रा के दौरान मैक्रॉन को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो क्लिप में कथित तौर पर एक महिला को राष्ट्रपति मैक्रॉन को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है। जिस समय महिला ने थप्पड़ जड़ा, उस वक्त मैक्रॉन कहीं जा रहे थे। इसके तुरंत बाद मैक्रॉन के सुरक्षा कर्मियों ने महिला को पकड़ लिया। वहीं राष्ट्रपति को भी सुरक्षा कर्मियों ने बचाया और उन्हें किनारे पर ले गए। फ्रेंच पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया है। वीडियो क्लिप में कथित घटना को लेकर कहा जा रहा है कि एक पुराना वीडियो है जो वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि मैक्रॉन के सुरक्षा गार्ड्स ने महिला को तुरंत खींच लिया था और उसे हिरासत में ले लिया। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक वायरल वीडियो एक पुराना वीडियो है जिसे फिर से प्रसारित किया गया था। इसी तरह की एक घटना में पिछले साल 8 जून को एक शख्स ने राष्ट्रपति को थप्पड़ जड़ दिया था। तब राष्ट्रपति मैक्रॉन एक छोटी सी भीड़ को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके साथ ये घटना हुई। इस घटना का भी वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें देखा गया कि कैसे हमलावर ने मैक्रॉन की बाह पकड़कर उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को हिरासत में ले लिया था। शख्स ने नारे लगाए थे, डाउन विद मैक्रॉनी। आमतौर पर मैक्रॉन के विरोधी इस नारे का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर मैक्रॉन सरकार को इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस मामले में हमलावर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद भी मैक्रॉन ने लोगों से हाथ मिलाना जारी रखा। बाद में घटना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि थप्पड़ की घटना अलग बात है, लेकिन वो ठीक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मैक्रॉन ने यह भी कहा था कि फ्रांसीसी लोगों का भारी बहुमत मूल मुद्दों में रुचि रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।